वाकई में ना टीचर की सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी क्लास के खुराफाती बच्चे जो होते हैं, यानी वो शैतान बच्चे जो ना पढ़ाने देते हैं और ना क्लास में कोई एक्टिविटी कोई काम करने देते हैं। हर चीज में उन्हें अपनी टांग अड़ानी होती है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी भर के भेज देते हैं ना उनके पेरेंट्स कि वो सब आके टीचर को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा सोचते हो आप लोग? भाई सब सोचते हैं, मतलब मैं भी सोचती हूँ, जो क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उन्हें लेके तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार ये पढ़ाने नहीं दे रहे, क्या करें इनके साथ। आज ना मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही कुछ मजेदार सी टिप्स लेके आई हूँ, जो वाकई में अगर आप अप्लाई करेंगे ना कहीं यार इस प्रॉब्लम से आपको काफी हद तक जो निजात है वो मिल सकता है। अब ऐसा क्या करें कि वो बच्चे जो है आपके कंट्रोल में आ जाए, तो उसके लिए पहले आपकी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा सुने, ध्यान से सुने कि करना क्या है। सबसे पहली बात कि वो बच्चे जो क्लास में सबसे ज्यादा शैतानी करते हैं ना, उन्हें सबसे आगे ले आओ, सबसे आगे बिठा लो उन्हें अपनी आंखों के सामने। भाई आपको पता है जो बच्चा आपका स्टूडियस है, अगर आप उसे थोड़ा एक दो डेस्क पीछे भी बिठा देंगे तो वो उस किताबी कीड़े को तो किताब में घुसना ही घुसना है, वो तो पढ़ ही लेगा, वो तो आपके जाना खाने आएगा आपके पास कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पर ऐसे जिन्हें आपने काम दिया कॉपी में लिखने का, कुछ नोट करने का, भैया पता ही नहीं है वो करने ही नहीं कर रहे और आप लिखवा रहे हो बोर्ड पे, तो ऐसा तो नहीं है बार बार जाके आप उनकी कॉपी में चेक करो, तो उन्हें सबसे आगे वाली रो में बिठा लो, जो आपको दिखता रहे कि पेंसिल चल रही है नहीं चल रही, कॉपी भर रही है नहीं भर रही। और दूसरी बड़ी बात ना, कि ऐसे बच्चे उन बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं जो शरीफ होते हैं, तो प्लीज उन शरीफ बच्चों के साथ तो बिल्कुल ना बिठाएं इन्हें, इन्हें उन्हीं के जैसे शैतान बच्चों के साथ बिठाओ कि अगर एक ने हरकत की तो दूसरा उसे पलट के तुरंत जवाब दे देगा, यानी अगर उसने उसे टीज किया तो दूसरा तुरंत आपको कंप्लेंट कर देगा, मैम मार रहा है इसे समझा लो वरना मैं भी इसे मार दूंगा। कहीं ना कहीं दोनों शैतान, आप मतलब जितने भी शैतान है वो आपके सामने बैठे हैं और सब एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, तो वो ना दबने वाले नहीं है एक दूसरे से, या तो वो शांत रहेंगे अदरवाइज आपसे कंप्लेन करेंगे। बट फिर ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं आपको कि मैम ये कर दिया मैम बार बार कि मुझे कंप्लेन करो, आपने उन्हें परमिशन दे दी, अब वो आपको कंप्लेन ही करे जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, एक स्लिप लिखवा लेनी है बच्चों को कि जिसको भी प्रॉब्लम है जिसने भी कुछ भी किया ना, आप लोग मुझे स्लिप पे लिख के दोगे, कोई बच्चा मुझे ओरली नहीं बताएगा क्लास में, तो आप एक स्लिप लिखवा ले बच्चों से, और वो स्लिप आपको कब देंगे, जब पीरियड खत्म होगा मैं स्टाफ रूम में जाके स्लिप पढ़ूंगी, और जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगी सबसे पहले उन्हीं बच्चों की क्लास लूंगी, या फिर जब नेक्स्ट पीरियड में आऊंगी तो उन्हीं बच्चों की क्लास लूंगी, लंच में उनकी क्लास लूंगी, असेंबली में उनकी क्लास लूंगी, यानी कुल मिलाकर आपकी क्लास डिस्ट्रैक्ट होगी ही नहीं। अगर कंप्लेन है तो लिख के देंगे, और लिखने में तो बच्चे वैसे ही भैया परेशान हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो, अगर इंग्लिश में लिखने का रूल हो, हिंदी में लिखवा रहे हो तो भी परेशानी है, गलती हो गई तो मैडम पता चले उसे डांटने की जगह हमें डांटेंगे, तो ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, तो लिखने से भी बचेंगे यानी कि बार बार शिकायत करने से भी बच्चे जो है वो बचने वाले हैं। अब बात आती है कि आप होमवर्क दे रहे हो स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, तो क्या होता है कि आप उन्हें होमवर्क चेक करना है आपका, छोटे बच्चों का होमवर्क जो होता है आपको क्लास में चेक करना पड़ता है, पर ऐसे टाइम में बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं कि अब मैं पढ़ा भी नहीं सकती, होमवर्क भी चेक कर रहा है, खाली है तो खाली तो वो आपका खून पीने ही वाले हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो ना कि क्लास मॉनिटर बिल्कुल बनाया जाता है, भाई जरूर बनाओ, ये चीजें जो होती है बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करती है, बच्चों को चीजों को कंट्रोल करना आता है, और कहीं ना कहीं जो क्लास मॉनिटर्स होते हैं ना वो बॉन्ड लीडर्स बन जाते हैं, तो क्लास मॉनिटर जरूर बनाओ, और ऐसे सिचुएशन में क्लास मॉनिटर को करो आगे खड़ा और उसे बता दो कि रोल नंबर वाइज कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने 5 मिनट्स के लिए याद करने के लिए दे दिया, क्लास मॉनिटर भी है अपनी कॉपी लेके वहीं पे खड़ा है और वो देख रहा है कि याद कर रहे नहीं कर रहे, फिर रोल नंबर वाइज छोटा सा क्वेश्चन दे जो बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान ना करे, और रोल नंबर वाइज बुलाते जाए वो सुनते जाएगा, बुलाते जाए और सुनते जाएगा, यानी ये काम फ्लो में चलता रहेगा, बाकियों को ये टेंशन रहेगी यार तेरा भी नंबर आना है, खाली तू रह नहीं सकता क्योंकि आएगा तेरा भी नंबर, कभी ऐसा हो सकता है रोल नंबर को स्टार्टिंग से शुरू कर ले, कभी पीछे से शुरू कर ले, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप कुछ खतरनाक काम ही सुनवाए, आप कोई राइम है कोई स्टोरी है वो मॉनिटर से कहे कि नरेट करे, और फिर उसके एक दो साथियों को बीच बीच में से कि अब आओ तुम नरेट करो, अब आओ तुम नरेट करो। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में कि आप बच्चों से बुक रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझना बोलना, क्योंकि आपके कान तो खुले हुए हैं ना जब आप कॉपी इवेल्युएट कर रहे हो, तो आप समझ सकेंगे कि बच्चा जो है वो ठीक से चीजों को प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना पनिशमेंट के काम चली जाता है, भाई थोड़ा बहुत डांटना बच्चों को बोलना तो जरूर पड़ता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि आप कभी ऊंची आवाज में अपनी क्लास में बात ना करें और सारे बच्चे जो है वो आपके सर पे आके ना बैठे, तो ऐसा भी करना पड़ता है, कई बार आपको ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। बट बहुत सारे टीचर जो मैंने देखा है क्या करते हैं, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई क्लास,
ये क्या है, तुमने उसे अपनी क्लास से निकाल दिया, मतलब एक तो वो धेले भर का पहले ही नहीं पढ़ता, और अब आपने क्या किया, उसे क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, निकल जा तू क्लास से बाहर, चल जा बाहर जाके कुकड़ू कू कर, यानी मुर्गा बन जा, तो मतलब फिर तो उसके मजे ही आ गए, आपने उसे बाहर निकाल दिया, हो गए उसकी बल्ले बल्ले, वही तो चाहता था वो, अब वो करेगा जो करेगा। कई बार वॉशरूम में घूमते हैं, जब कोई दूसरा टीचर पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तो बता देता है कि मुझे मैम ने क्लास से बाहर निकाल रखा है, यानी उसकी रेपुटेशन की उसे वैसे ही चिंता नहीं, क्योंकि उसका रोज का काम है क्लास के बाहर निकल के मुर्गा बनने का या खड़े होने का। तो प्लीज मतलब आप उन्हें पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, आप उन्हें रिवॉर्ड दे रहे हो ऐसे बच्चों को। तो ऐसे बच्चों के साथ बेस्ट सिचुएशन यही है कि क्लास में आप उन्हें सबसे पीछे, जो आपको पता है कि ये बिना इस सिचुएशन के नहीं मानते, तो आप उन्हें क्लास में सबसे पीछे, जो लास्ट डेस्क, बट लास्ट डेस्क कौन सी, आपके सामने आपको दिखाई दे, और उनका फेस करा देना आपको वॉल की तरफ टर्न, जिससे, क्योंकि उनके अंदर इतनी उंगली होती है कि वो फिर भी एक दूसरे में, जो पीछे वाले होते हैं ना, उन्हीं उंगली करना शुरू कर देते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उनका फेस हो जाना चाहिए वॉल की तरफ, और ऐसा नहीं है कि वॉल की तरफ फेस कर दिया आपने, लो जी अब मतलब फिर वही मजे के खड़े हो गए, और नहीं तो दीवार को खिरोदना शुरू कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनके हाथ में कॉपी पकड़ा देनी है, अब उस कॉपी में वो क्या करेंगे, लर्न करेंगे, और उस चीज को ध्यान रखें कि आप जो है 10 to 15 मिनट में उससे पूछे कि अब बताओ कितना याद किया है, अब बताओ कितना याद किया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके कहने पर पनिशमेंट हो गई, बट वो पनिशमेंट नहीं थी। प्लस अगर आपको लग रहा है कि भाई उस चीज, उस टाइम पर आप जो है वो कुछ पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपने उस बच्चे को खड़ा कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं हम, अगर नींद आ रही होती है ना, तो खड़ा रहने से या चलने घूमने से हमारी वो चीज भी हट जाती, तो अगर उस बच्चे का कंसेंट्रेशन इधर उधर होगा तो वो वापस जो है आ जाता है, आप उसका नाम लेके उसे टोक सकते हैं, और आपने उसे पीछे खड़ा कर रखा है तो शायद वो अब आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए तो भाई मैं यही कर सकती हूँ, यही आपको सलाह दे सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मजेदार सी सलाह है, कोई और मजेदार सी टिप है, तो प्लीज उसे ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं, मैं अपनी अगली वीडियो में उस ट्रिक को आप लोगों के, बाकी और सारे लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। उम्मीद करती हूं कि इतनी टिप्स आपके लिए काफी होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और सुझाव देना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ढेर सारे कमेंट करिए, ढेर सारे सवाल पूछिए, मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपको जवाब देने के लिए, और शायद आपके कमेंट्स इतने बढ़िया लगे कि अगली वीडियो में मैं उन्हें भी ऐड करके बोलूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम।